सो अ वेरी गुड इवनिंग एवरीवन गाइस, जैसा कि आपको पता है कि राइट नाउ मैंने अभी जस्ट आपका मिनी मैराथन जो है कंप्लीट किया है ऑन योर चैप्टर नंबर 4 शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर। मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एक स्ट्रेटेजी वीडियो, इसको गाइस फॉलो करो और एकदम 1.5 डेज के अंदर आपका आराम से 2 बार रिविजन हो जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हो, अभी आपने मेरे संग जो है पूरा का पूरा चैप्टर 4 रिवाइज किया है, तो आप 11 बजे तक सेल्फ स्टडी करके ये चैप्टर नक्की करो। और अगर आपने अभी नहीं भी देखा है तो कोई दिक्कत नहीं, यूट्यूब में अपलोडेड है मेरा ये मिनी मैराथन, आप आराम से 2 घंटा लो और इसको देख कर नक्की करो। और ट्रस्ट मी, फिर आपको सेल्फ स्टडी करने में 15-20 मिनट से ज्यादा नहीं लगना है। फिर इसके बाद आपको 12 बजे से 1 बजे तक रात में इनकॉर्पोरेशन चैप्टर को जो है सलता देना है, या फिर 2 बज भी जाए तो 2 बजे तक कर लेना। और जिनको मॉर्निंग में जल्दी उठने का आदत है वो ये चीज मॉर्निंग में भी कर सकते हैं, सुबह 6 बजे उठकर। गाइज, इनकॉर्पोरेशन चैप्टर का भी मैंने हाल में मिनी मैराथन लिया था, आप उसको रेफर करो, आप देखोगे 2 घंटे में वो मैराथन खत्म और इनकॉर्पोरेशन चैप्टर पूरा आपके पॉकेट के अंदर। इसके अलावा आपको मैं बता दूं, 4 से 5 घंटे का नींद लेना एसेंशियल है, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है ये थ्योरी पेपर है, लिखना बहुत ज़्यादा है, आपका दिमाग काम नहीं करेगा। और जितने भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं सब में दिमाग का खेला है, प्रैक्टिकल का खेला है, तो आप अगर पीसफुली सोओगे नहीं तो आप लिख नहीं पाओगे एग्जाम में। फिर इसके बाद सुबह 7 बजे से उठकर 10 बजे तक आपको मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन चैप्टर नंबर 7 जो है उसका भी मैंने हाल में मिशन सीरीज कराया था, तो घोल कर पी लेना है। अगर आप एक भी सेशन मेरा देखोगे तो आपको लगेगा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आराम से वो सेशन देखकर फिर सेल्फ स्टडी कर लेना। फिर 10 से 12 के बीच में आपको चार्ज डिपॉजिट, छोटे छोटे चैप्टर है जल्दी जल्दी नक्की करना, उसमें भी मैंने रिवीजन लिए हैं, आपको कोई भी दिक्कत है रिवीजन, सारे रिवीजन क्लिप्स जो है मैंने वीडियोस वगैरह जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पिन कर दिया, आप एक में क्लिक करोगे आपको रिविजन दिखाई दे देंगे सारे के सारे। फिर आपको 12 बजे से लेकर 2 बजे तक रिमेनिंग चैप्टर्स आपका चैप्टर 8, 9, 10 खत्म करना है। 2 से 3 चैप्टर नंबर 1 कर लीजिएगा प्रिलिमिनरी चैप्टर। फिर अब अदर लॉ हम लोग स्टार्ट करेंगे दोस्तों 4 बजे से, यानी 3 से 4 अगेन मैंने आपको ग्रेस टाइम दे दिया आपके लिए खाना पीना करने के लिए या रेस्ट करने के लिए। फिर अब हम लोग 4 बजे से दोस्तों अदर लॉ स्टार्ट करने वाले हैं। अदर लॉ में आपको किस तरह से करना है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बड़ा है, 4 बजे से 6 बजे तक 2 घंटा, फिर एनआई एक्ट 2 घंटा, फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट और जनरल क्लॉजेज एक्ट एक्ट आप 1-1 घंटे में करके निपटा लेना। अब आपको रात के 10 बजे से 12 बजे तक आपको क्या करना है, वर्कबुक हमारा जो था वो वर्कबुक रिवाइज करो रैंडमली, हर एक चैप्टर से कम 2-3 क्वेश्चंस जो है गो थ्रू कर लो। फिर मॉर्निंग 6 बजे उठ जाइए आप। अब मॉर्निंग 6 बजे से लेकर आप 12 बजे तक भी देखोगे तो आपके पास कुल मिलाकर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 घंटा आपके पास अभी भी अवेलेबल है दोस्तों। कंपनी लॉ का पोर्शन फटाफट एक बार दोबारा हमारे चार्टबुक से आप रिवाइज कर लीजिएगा, हमारे हैंड रिटन नोट से आप रिवाइज कर लीजिएगा, आपको बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं आना है दोस्तों। ये स्ट्रेटजी विल रियली वर्क गाइस, डू फॉलो दिस स्ट्रेटजी, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम विल बी डन एंड ट्वाइस रिवीजन विल बी डन। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सुपर 50 क्वेश्चंस मैं आपके संग शेयर करूंगी कल ही, तो प्लीज उसको भी देख लीजिएगा ये वर्कबुक देखने के दौरान। एंड टाइम मैनेजमेंट एग्जाम्स में बहुत ज़रूरी है, स्टार्टिंग में जो 15 मिनट्स रीडिंग टाइम मिलेगा उसी में पहले आप टिक करके ये डिटरमाइन कर लेना कि आपको कौन सा क्वेश्चन सबसे पहले करना है। और ऑलवेज स्टार्ट विद अ क्वेश्चन विच यू नो द बेस्ट, ताकि एग्जामिनर को आप गलत इंप्रेशन ना दो कि आपको पेपर आता ही नहीं है। तो हमेशा ऑर्डर वाइज नहीं जाना है, बल्कि उस क्वेश्चन से हमें स्टार्ट करना है जिसमें हमारा नॉलेज लेवल एकदम हाईएस्ट है, और हर एक क्वेश्चन से ही हमें टाइम मैनेजमेंट स्टार्ट कर देना है। कभी भी एक क्वेश्चन में ज़्यादा समय नहीं देना है, तभी आप 3 घंटे अच्छे से लिख पाओगे। और स्टार्टिंग का 2-3 आंसर जबरदस्त लिखना जिससे आप एग्जामिनर का कॉन्फिडेंस जो है जीत लो, ठीक है। और 15 मिनट टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करना, सिलेक्ट कर लेना कौन सा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है दोस्तों, और पूरा 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके आना, ये मेरा रिक्वेस्ट है। एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू स्कोर एग्जेम्पशन इन द पेपर ऑफ लॉ, दिस इज माई गारंटी। हैंड रिटन नोट्स बहुत खूबसूरत है, सारे क्वेश्चन आपको हैंड रिटन नोट से ही आने हैं, ठीक है, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। और वर्कबुक का कुछ कुछ क्वेश्चन देख लेना, और इसके अलावा जो सुपर 50 क्वेश्चन है वो भी देख लेना, और इसके अलावा जितना भी मेरे मैराथन सीरीज वगैरह मैंने लिए हैं आपके, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूं, प्लीज डू फॉलो दैट। और कमेंट सेक्शन में एक बार लिखकर बता दो, यस आई विल स्कोर एग्जेम्पशन इन लॉ पेपर। थैंक यू ऑल ऑफ यू माय ऑल लवली सीए इंटर एस्पिरेंट, यू आर गोइंग टू श्योरली रॉकेट, माय गुड विशेस आर विद यू ऑल, लव यू ऑल, डू सब्सक्राइब द चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन, गॉड ब्लेस यू ऑल।